तो इतनी बात सुनी हरनंदी ने पनिहारियों की और मनसा सेठ ने भी उन पनिहारियों की बात को सुना। मनसा सेठ बहुत अपनी बेइज्जती मानता है, तोहिन मानता है और कहता है कि उन साधुओं को ले जाओ और गौशाला में बंद करके और ताला लगा दो। तो उन साधुओं को ले जाके गौशाला में बंद कर दिया। ये बात हरनंदी ने भी सुनी, हरनंदी भी अपनी बेइज्जती मानती है और मौका लगा के वह हरनंदी अपने पिता के पास गई, बाहर से आवाज दी, अंदर से साधुओं ने कहा कि कौन है। उसने कहा कि मैं हरनंदी हूं। कुवार खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुले, तो जोश में आकर उन साधुओं ने उन कुवारों को तोड़ दिया और बाहर निकले। नरसी की और हरनंदी की आपस में बातचीत होती है, हरनंदी क्या कहती है और नरसी क्या कहता है। ए बेटी के घर बाप का जाना, उस दुख बीमारी में और नहीं था आवने आला, मनो आ गया लसारी में। बेटी के घर बाप का जाना, उस दुख बीमारी में खाली हाथ आना था, खाली हाथ ना आया मने ना हाथ दांत के लाना था, हाथ दांत के ना लावे था से और के हाथ पहुंचाना था। वो आवे पहुंचा कुवनिया कृष्ण जिसने साथ पुकाना था, किस किस के दुख दूर हुए, किस किस के दुख दूर हुए, उस छलिया की यारी में, उस छलिया से यारी करके जब बैठू अटल अजारी में। बेटी के घर बाप का जाना, उस दुख बीमारी में और नहीं था आवने आला, जो आ गया लतारी में। अटल अटारी में बैठने खतरी, क्यों झूठा विश्वास करे, झूठा ना विश्वास मेरे रखे, ओए पूरी आस करे, पूरी आस करने आरे में तो कित कितरी तलाश करे, तलाश करूंगा नहीं फेरूंगो घट घट के मां पास करे, के घट घट के मां पास करे, घट घट के मां पास करे, बना नामी चोरी जारी में, चोर कहो
چاہے جور کو میری سرتی کسن مراری میں بیٹی کا گھر باپ کا جانا اس دکھے चरावाने आला से दूर चरावाने आला को नवो चक्र फेरावाने आला से मां भारत में भाई भैया का नाश करावाने आला से करया पाप का नाश धर्म की वो नीम धरावाने आला से दस मोजान लेक साथ में दस मोजान लेक साथ में तू अब ठर से दारी में ऐसा बात परेगा बढ़ जा रूका दुनिया दारी में बेटी के घर बाप का जाना लक्ष्मी चंद गुरु जी कहेंगे वाए होगी बात सही राम स्वरूप शटवली आला अटोए जास बात नहीं पांच भाई मेरे मर के फिर माता स्वर्ग सदार गई किसकी खतरी के करना नु सोच करी शरण लेई ये दिन देखण खातिर रहगी ओ ये दिन देखण खातिर रहगी ओ एकली पपण हत्यारी मैं चलती काना काटी हो से ना धरो बेकारी मैं बेटी का घर बाप का जाना तो आपस में हरनंदी की और नस्सी भक्त की बात होती है पिता और पुत्री की बात हुई और कह दिया कि बेटी तू निश्चिंत होकर अपने घर जा और सुबह श्री कृष्ण जी खड़ी सवारी लेकर यहां आएंगे और किसी बात की खामी नहीं रहेगी। वह हरनंदी अपने पिता से बात करके और वापस अपने घर आ जाती है। एक नायण को बुलाया और उसको दो सफी दे दी और कहा कि मेरे पिता को जाग गए और नला दे पानी गर्म करके। जब वह नारायण वहां से चली तो रास्ते में हरनंदी की नरंद मिली कि कहां जाती है कि मैं उसके पिता को स्नान करवाने के लिए जाती हूं कि ये करना इतना पानी गर्म कर दे कि जो ही वो गात पर पानी डाले तो जल जाए। तो नारायण और उसने भी दो सरफी दे दी। वह नारायण असर भी लेके और बहुत ज्यादा पानी गर्म कर देती है और नस्सी से कहा कि महाराज स्नान के लिए पानी तैयार है। जब स्नान के लिए आया और ज्यो ही उसने पानी मुंगली डाली तो बहुत ज्यादा गर्म था। नरसिंह ने कहा कि तो पानी बहुत ज्यादा गर्म है कि ईसा भगत बिना फिर तू कर ले ठंडा। कृष्ण मुरारी को बुलाकर ठंडा पानी कर ले। तो ये बात सुनकर नरसिंह ने श्री कृष्ण की रटना लगाई। बताते हैं कि कृष्ण की रटना लगाने से
ایک دم برسات شروع ہونی ہوگی کیسے بھلا اے رے مرسی جی گھبرا گیا لگیا من میں کرنے بیتیا اوکے گھٹا برسن لگیا اندر موسدار نرسی جی گھبرا گیا من میں کرنے بیتیا اوکے گھٹا برسن لگیا دکھیا کی بندھن لگی دھیر جیسے ننگیان ملی جاگیر جیسے ننگیان ملی جاگیر تیرے ٹھنڈا کر دیا نیر ہری نے ٹھنڈا کر دیا نیر ہری نے کچھ نہ لگی وار اوکے گھٹا برسن لگیا धर्म कर्म ने त्याग उस कत भाग जरूरी तक उस कत भाग जरूरी तक कर्म यू चले आगे आगे कर्म यू चले आगे आगे बंदा चलो पोस हजार ओके गता برسن لگیا اندر مسلدار نرسی جی گھبرا گیا لگیا من میں کرنے بیچار اوکے گھٹا برسن لگیا اندر مسلدار جس نے کری تپسیا بھاری ہو جا من کی سوچی ساری ہو جا من کی سوچی ساری ارے بھگتی کیا مہیما نیاری بھگتی کیا مہیما نیاری جان سب سنسار اوکے گھٹا برسن لگیا اندر مسلدار نرسی جی گھبرا گیا لگیا دھن رام سروپ تیری چتورائی نے دیکھ نرسی کی بھگتا دینے دیکھ نرسی کی بھگتا ارے جھٹی اور نانر نائی نے بھائی جھٹ دے نانر نائی نے یہ اس کے چلنے چچے پار اوکے گھٹا برسن لگیا اندر مسلدار نرسی جی گھبرا گیا لگیا من میں کرنے بیچار اوکے گھٹا برسن لگیا تو اتنی زور سے ورسا ہوئی کہ وہ پانی ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور نان اور نائی اس نرسی بھگت کے پیروں کا چپٹ گئے کہ مہاراج آپ پورے بھگت ہو ہم مان گئے
سب لوگ لغائی اپنے من میں یہ کہیں کہ بھئی ایسے بھگتائی ورثہ ہوگی، بہت دھن دھنے سے ہمارا سہر پھلے اور پھولے گا۔ اتنے میں شری کرشن جی بھیس بدل کر کپڑا بیچنے کا بھیس بنا کر اور رک کے مارتا آتا، بھئی کوئی کپڑا لے لو، کوئی کپڑا لے لو، کس طرح بلا گج اور کینچی ہاتھ میں ہری بنے کے چلیا بازار، لو کوئی مول کپڑا لو، لو کوئی مول کپڑا لو، گج اور کینچی ہاتھ میں ہری بنے کے چلیا بازار، لو کپڑے کی میں رکھو ساری ہم ویاپار کرنیا بھائی، کسم کپڑے کی رکھو ساری ہم ویاپار کرنیا بھائی، ماری عادت لگی بلات میں جتنے بڑے بڑے جام جاد، لو کوئے مول کپڑا لو، لو سرنگ اور یہ برنگی شیلک اور ململ دی چنگی، اچھی سرنگ اور برنگی شیلک اور یا مکمل چنگی، جس کے تنگی بات میں جو او ڈار اور بین بیاد، لو کوئے مول کپڑا لو، لو کوئے مول کپڑا لو، گزر گجی بات میں ہری بن کر چلیا بسات، لو کوئے مول کپڑا لو، لو کوئے مول کپڑا لو۔ کھوری میں مل سکر ٹکر آرے میں مل ٹکر، سکر کھوری میں مل سکر ٹکر آرے میں مل ٹکر، جت چکر لگے دیہات میں لوگ من خوب لے ہاتھ، لو کوئی مول کپڑا لو، لو کوئی مول کپڑا لو، گزر کچی ہاتھ میں ہری پر کچلا بازار، لو کوئے مول کپڑا لو، لو کوئے مول کپڑا لو۔ Thank you.
جانی نہ تھی کسی چیز کی بھی کمی رام سروپ کون بول جانی نہ تھی کسی چیز کی کمی ام نامی اپنی ذات میں سب سے تھا کہ شرط آج لو کوئی مول کپڑا لو لو کوئی مول کپڑا لو देर में स्नान किया, स्नान करके और गीता की पाठ पर बैठ जाता है नरसिंह भक्त। श्री कृष्ण जी नहीं पहुंचे, उधर मनसा सेठ का बुलावा आ जाता है कि भाई हमने भाती लेनी है और जल्दी से जल्दी भात के काम पर पहुंचो। तो नरसिंह ने कहा कि अभी मेरा गीता का पाठ पूरा नहीं हुआ है, पाठ पूरा करने के बाद आऊंगा। थोड़ी देर बाद देखने पर फिर बुलाऊंगा नौकर फिर गा कि महाराज भात के ऊपर बुला रहे हैं। जब तक भी श्री कृष्ण जी नहीं पहुंचे तो उसने कह दिया कि मेरा गीता का पाठ पूरा नहीं हुआ है और पूरा करने पर फिर आऊंगा। इतने में श्री कृष्ण जी अर्थ पर सवार होकर आ जाते हैं और ज्वालामुखी उनको देखकर अपनी भाभी हरनंदी के पास भाग कर गई और कहा कि रे भाभी, मन तो ऐसा महसूस होता है कि तेरा भाई आ गया हूं। तो वह हरनंदी के सामने ज्वालामुखी क्या कहती है, ए बाबीरी बाबीरी आलिया तेरा भाई
مارے دل میں گھنا چڑا سے امایا تو کرینا ماں کا زایا बात को सुनकर हरनंदी ने कहा कि मेरे भाई नहीं है मेरा पिताजी आया है तो रोष और शर्माकर हरनंदी ज्वालामुखी को कहती है कि यह मेरे शर्म की बात है और तू मुझे इसलिए ज्यादा टोकती है कि मेरी तकरार हो जाए तेरे के साथ और दूसरी बात नहीं है वह हरनंदी क्या कहती है अपनी नंद को ठली बौक से बेकार करनी सावे से तकरार करवे बोले से बोली मेरा फोक से जगरी ठली बौक से बेकार करनी वैसे तकरारी करवे बोले से बोले मेरा वो कैसे जगर ठली वो कैसे बेकार करनी वैसे तकरारी करवे बोले से बोले मेरा
बाप मरे ने एक एक करी वो मोड़ा बन गया सरासरी बाप मरे ने एक एक करी वो मोड़ा बन गया सरासरी ओए चाचा ताऊ किसके हो से चाचा ताऊ किसके हो से ओए बालक सी की मां मेरी आवेती जत्यवार उम्मते रोमु चार बजारी मेरे भाई नहीं से घना करे रीसु सबरी ठली बोके से बेकार करनी चावे से तकरार करवे बोले से सास ससुर ने नाम मेरा करे रख्या बदनाम मेरा सास ससुर ने ओए नाम मेरा करे रख्या बदनाम मेरा ओए पाटे पछे कपड़ा दे दे ओए पाटे पछे कपड़ा दे दे ओए देख कन काम जिसके फेरिया की गुंगार उसने राखी सो दूध कारी करके बंदा रोटी खा लून मेरी ओ जैसे गुजर खाली भूख से बेकार करनी साथी सब ज्ञान से राजी ओ भगवान से साथी सब ज्ञान से कोई शामी नहीं बोल सकता कोई शामी नहीं बोल सकता ओए बड़ा खानदान से वो मोटे की कतार आगे बैठी थारे बारे हसी हो जागी घनी तने कुछ ना खबर खाली भूख से बेकार करनी चावे से तकरार बड़वे बोले से बोले मिला भूख से मेरा जारे जास गात मेरा दिन और रात मेरा जारे जास गात मेरा ओए राम स्वरूप छटावली आला राम स्वरूप छटावली आला ओए आन दे साथी चाहे गेर जानते मार मने कति नहीं इनकार अपना काट दो ओ माया जो कुछ रेरी हो कसरी खाली भूख से बेकार करनी चाहे
नस्सी भगत साधुओं को तैयार करके अर्थ में बैठा कर और चल पड़ता है। श्री कृष्ण जी स्वयं गढ़वाले बनते हैं और सब सामान को अर्थ में रख लेते हैं। उधर साधुओं को उस अर्थ में बैठा कर चारों तरफ से पर्दे लगा दिए और गौशाला में जो कपड़ा लाए थे वो ही छोड़ देते हैं। गाल में के सब लोग उस पर्दे वाले अर्थ को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक आध बच्चा या कोई लुगाई उस पर्दे को उठाकर देखती है तो उसमें साधुओं को देखकर बहुत कने भयभीत हो गए और आपस में बात करते हैं कैसे। ओए के सामान अर्थ में लाए देखने चली लुगाई, पर्दा ठाके देखन लगे कई मोटे दिए दिखाई के सामान अर्थ में लाए देखन चली देखण लगे कई मोटे दिए दिखाई सामान अर्थ में लाए देखण चली लोगाई परदा ठाके देखण लगे कई मोटे दिए दिखाई परदा ठाके देखण लगे बुढ़े और गाभरू सो कर दे फिर गे दहल दहल के रूख के मारे हाय हाय मर गे कान पार ले कान पाड़ ले नो गणे डर के चढ़ गए ताप नवाई परदा ठाके देखण लगे कई मोटे दिए दिखाई सामान अर्थ में लाए देखण चली लोगाई देखण लगे कई मोटे दिए दिखाई देखण लगे कई मोटे दिए तीखे गोरी कावड़ी सी सारा ने मुंड मुंडाए ओ ए तुम बे और तारे नहीं चीज बात में लाए किसे भाती ना किसे कह आए किसे भाती ना किसे कह आए नो आपस में बतलाई परदा ठाके देखण लगे कई मोटे दिए दिखाई सामान अर्थ में लाए देखण चली लोगाई देखण लगे कई मोटे
परदा ठाले देखण लगी भाई मोजे दिए मन में जोड़ ला लिया लकड़िया कती जवाड़ा अपना घर फोड़ के खा लिया मनसा मलका तोड़ आ लिया मनसा मलका तोड़ आ लिया इस गेलिया क्रिया सनाई परदा ठाके देखण लगे कई मोजे दिए दखाई के समान रथ में लाए देखण चली लोगाई परदा ठाके देखण लगे समझे थे पखंडी खास करुड़ के जन की रही थी फरक के आरत पे झंडी दो चार जुड़ के मस्टंडी दो चार जुड़ के मस्टंडी अरे हर नंदी के आई परदा ठाके देखण लग्या कई मोजे दिए दखाई के समान रथ में लाए देखण चली लोगाई परदा ठाके देखण लगी तो अर्थ छोड़ के और गलियारे में के बड़ा रुका पारता से लगा कि भाई देखेंगे कैसा भात भरेगा और मनसा सेठ के बारे में बहुत ज्यादा नर और नारी जुड़ जाते हैं। वहां जाने के बाद श्री कृष्ण ने नरसिंह भक्त से कहा कि मैं एक बार हरनंदी से मिलता हूं। ये कहकर श्री कृष्ण हरनंदी के पास गया और कहता है कि बेबे मैं तेरा भाई हूं, लेकिन वह हरनंदी शर्मा के और छो माया कर घूंघट करके एक तरफ मुंह फिर जाती है कि मेरा कोई भाई नहीं है और क्या कर। ओए कौन से चला जा मेरे कौन से चला जा मेरे मत ना आइए पास बोलिया कोना जाता मेरा चित से उदास कौन से चला जा मेरे मत ना आइए पास बोलिया कोना जाता मेरा से चला जा
اس دنیا نے مارے ریپاڑے مروں تے آیا کوئی نہ کار اس دنیا نے مارے ریپاڑے کوڈیاں کی ڈال میرے کوڈیاں کی ڈال میرے سب نے آوے پاس بولیا کونیا میرے بھائی کتنے آویں کے روکھا کے لٹکے پاویں پتہ میرے بھائی کتنے آویں تن مار میرا لہو جڑاویں تن مار میرا لہو جڑاویں میری نانند اور ساس بولیا کولیا جاتا میرا کہ میرا کوئی ماں کا ذا بھائی نہیں اور میں تیرے پہ وشواس کیسے کروں میرے چاچا کا نہیں کوئی رشتہ داری میں نہیں
मैं विश्वास नहीं करती। तो श्री कृष्ण ने अपना चित्रभुजी रूप दिखा दिया। चित्रभुजी रूप दिखाते ही हरनंदी बहुत प्रसन्न हुई और मनसा सेठ के बाण ने मोहर और सर्फी जेवरात की बरसात होनी शुरू हो जाती है। किस तरह भला, रे मनसा मल के बारण जुड़े शहर के नर और नारी बात भरण लगे श्री कृष्ण जी हो रही जी जय जयकार मल के कारण जुड़े शहर के नर और नार बात भरण लगे श्री कृष्ण जी हो रही थी जय जयकार मल के जुड़े शहर के नर और नार बात भरण लगे श्री कृष्ण बादाम और गोले बरसे बरसन लगे छवारे ओए रे समी नाले चीर जरी के लेंगे गुजराती आरे ओए बरसन लगे साल दुसाले लोगान लगे प्यारे आठा गर्म भर दिए सब हो गए वारे न्यारे आठा गर्म कर लिए सब हो गए वारे न्यारे एरे गरीब आदमी ओए राजी हो गए गरीब आदमी राजी हो गए साहूकार की खड़ी पता बारण लगे श्री कृष्ण जी थोड़ी थी उड़ जय जयकार सर के नर और नार बात बारण लगे श्री कृष्ण जी थोड़ी थी जय जयकार भई अंधकार छा गया सारे के कर दी थी जनते बुढ़े रात एकन्नी दवन्नी चवन्नी अठन्नी हुई रुपया की बरसात बड़े बड़े सेठ कहे आपस में कोई मत ना लाइयो हाथ इब मामूली सी चीज चुगण पे खो बैठो ना अपनी जात मामूली सी चीज चौकन पे खो बैठो ना अपनी जात इस बखेर चौकन ने मारे इस बखेर चौकन ने मारे और बतेरे कई हजार बात भरण लगे श्री कृष्ण जी सावन लग गया मोरे सरफी उसने के लगाई देर रतन जड़ाऊ सोने के तोड़े लखम लखा दीने देर हुए रे हीरे मोती लाल जवार पुरखाला जी के ला दिए ढेर बड़े बड़े सेठ सुगुण लगे फिर आप या पड़ी वे
करके मेरी बड़े बड़े से सोने चांदी के पत्र जाके सोने चांदी के पत्र जाके बड़े समंदर के चौक के पार बात बरन लगे श्री कृष्ण जी गोरी थी उड़ा जय धोबी धोपन न्यो बोले मारे नाए ना की कर गया यार राम सूप श्री कृष्ण जी फिर दूसरे लगे उस भाड़ पैसवा पैर तक किसी पर